الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور إيماننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته ومتبعيه وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هديه درود وسلام صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعل سن و نور ایمان عطا فرمایا دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑے دلوں دے اندر اے نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے سفر شریف دا اے مہینہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں جدی نسبت اولیاء اللہ دے نالے اس نسبت نال آیت کریمہ دی تلاوت کر کے میں ثواب حاصل کیتا تساں سن کے ثواب حاصل کیتا جدی نسبت جس چیز دی نسبت اللہ دے پیاریاں نال ہو جائے او چیز بھی اللہ دی بارگاہ مقبول اور محبوب ہو جاندی ہے
इसे वास्ते रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामहिम, क्यामत दे दिन हर इंसान नू उदे मुर्शिद दे नाम ते पुकारिया जाएगा। अल्लाह दे नज़दीक माल दी कदर नहीं, हुसन दी कदर नहीं, मोटापे दी कदर नहीं। अल्लाह दे नज़दीक ईमान दी कदर है, खलूस दी कदर है, मोहब्बत दी कदर है, अल्लाह दे प्यारियां दी निस्बत दी कदर है। कुत्ता होवे वलियां दे लड़ लग जाए, ओ कुत्ता भी जन्नती हो जांदा है। अल्लाह कुरान पाक दे अंदर उस कुत्ते दा जिक्र, हत्ता के असहाबे काफ दे गार दे दरवाजे ते बैण दा जिक्र भी अल्लाह तआला ने जिवें कुरान दे अंदर फोटो खिंच दित्ती। लेकिन देखना यह है अल्लाह वाला कौन है। रब्बे कायनात ने वलियां दी शान भी बयान फरमाई, पहचान भी बयान फरमाई। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार अल्लाह दे दोस्त, अल्लाह दे वली, अल्लाह दे करीबी क्यामत दे दिन उन्हां नूं कोई खौफ नहीं होएगा, ना वो गमगीन और परेशान होणगे। अल्लाह दे दोस्त ए लफ्ज दस रहे कि अल्लाह दे वली अल्लाह दे गैर नहीं होंदे, वो अल्लाह दे महबूब होंदे। रब नाल दोस्ती किस तरह होंदी है, रब दा दोस्त किवें बनदा है, मिंटां सकिंटां दे अंदर रब दा कुरब हासिल नहीं होंदा। इहदे वास्ते इबादत करनी पैंदी, मेहनत करनी पैंदी, रियाजत करनी पैंदी, मुजाहदा करना पैंदा। हदीसे कुदसी मेरे नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब फरमांदा है कि बंदा मेरा कुरब हासिल करने वास्ते जदों मेहनत करदा है, फर्जां दी पाबंदी तो बाद नफली इबादत कर करके बंदा मेरे करीब हो जाता है। इदे वास्ते नींद की कुर्बानी देनी पैंदी। दुनिया सुती हुई होवे ते मोहब्बत वाला अल्लाह दी याद वाला अल्लाह दा दोस्त जाग के कदी क्याम दे अंदर, कदी सजदियां दे अंदर, कदी जलसियां दे अंदर, कदी रकूआं दे अंदर। रब ने अगर पंज फर्ज फरमाइयां ते रब दा दोस्त दस पढ़दा, क्योंकि ओदा कुरब ओदी रजा ओदी माइयत इबादत नाल हासिल हुंदी है और खलूस दे नाल हासिल हुंदी है। अल्लाह दी याद और बंदगी दे अंदर हर लम्हा बसर करदा है, जिस तरह सुल्तानुल आरिफीन फरमांदे ने जो दम गाफिल सो दम काफिर। सानू ए सबक मुर्शिद ने पढ़ाया हू, ए अल्लाह दे वली दी मेहनत और ओदी पहचान। अल्लाह दी याद और इबादत कर करके बंदा रब दे करीब हो जांदा है। जब बंदा रब दे करीब हो जाए फिर अल्लाह ताला दे अल्लाह दा रंग बंदे ते चढ़ना शुरू हो जांदा है। फरमाए सिबगत अल्लाह, लोगों अपने आप ते अल्लाह दा रंग चढ़ाओ।
अल्लाह दा रंग किवें चढ़ेगा। शेख सादी फरमांदे ने मपिंदार सादी के राहे सफा तवा याफ्त जुज बरप ए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा दी एक कदी गुमान ना करी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी तो बगैर तेनू रब दा राह मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। फरमादे ने सरकार दी गुलामी विच आ जा, अपने आप ते सरकार दी गुलामी दा रंग चढ़ा लिया ते तेरे ते रब दा रंग चढ़ जाए। अल्लाह दी याद और बंदगी दे अंदर नफली इबादत फर्जा दी पाबंदी तो बाद कदी चाश कदी इशराक कदी अवाबीन कदी शुक्राने दे नफल कदी तौबा दे नफल हर लम्हा खुदा दी याद दे अंदर बसर होवे ते रब दा कुरब नसीब होवे। नफली इबादत कर करके जदों बंदा रब दे करीब हो जांदा फिर बंदे ते रब दा रंग चढ़ना शुरू हो जाता। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया नफली इबादत कर करके मेरे करीब जदों मेरा कुरब हासिल हो जाए अख बंदे दी होएगी देखण दी ताकत मैं रब्बे कायनात दी होएगी जुबान मेरे बंदे दी होएगी बोलन दी ताकत मेरी होएगी कन बंदे दे होंगे सुनन दी ताकत मेरी होएगी पैर ओदे होंगे चलन दी ताकत मेरी होएगी हाथ ओदे होंगे पकड़न दी ताकत मेरी होएगी। गौस पाक इस वास्ते इरशाद फरमांदे अल्लाह दी सारी कायनात नूं मैं इस तरह देखना जिवें हथेली दे उत्ते राई दा छोटा जिहा दाणा हुंदा है। उकेड़ी ताकत रब दी तौहीद दा रंग जदों चढ़ जाए फिर बंदा रब दा हुंदा है वे ताकत अल्लाह तआला दी आ जांदी। रब इरशाद फरमांदे हैं नजर ओदी होएगी देखण दी ताकत मेरी जुबान ओदी होएगी बोलण दी ताकत मेरी कन ओदे होणगे समात मेरी होएगी ओदे हत्थां दे अंदर ताकत मेरी होएगी ओदे पैरां दे अंदर ताकत मेरी होएगी बगदाद तो कदम उठाए खानकाह तक एक कदम दा भी फासला नहीं बनदा लेकिन अल्लाह दे वलियां दे नाल निस्बत जोड़ के खलूस और मोहब्बत दे नाल वलियां नाल मोहब्बत करके पुकारते सही देख अल्लाह दे वली किवें तेरी मदद नूं पहुंचदे। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਰੁਕਾ ਲਿਖਿਆ ਐ ਨੀਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਮ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ अल्लाह ताला दे नूर दा मजहर बन जांदा है। इस वास्ते इरशाद फरमाया सिबगत अल्लाह लोगों अपने आप ते अल्लाह दा रंग चढ़ा लो। अल्लाह अकबर अल्लाह दा कुरब नसीब हो जाए तो फिर भावे दरिया रावी नूं हुक्म दे दे ऐ दरिया छुट्टी कर इत्थे फकीर दे डेरे लग गए दरिया भी नाफरमानी नहीं कर सकता। इस वास्ते इरशाद फरमाए वबतगु इलैहिल वसीला उदी तरफ को मुर्शिद तलाश करो जेड़ा तुहाडे वास्ते दुनिया आखरत दे अंदर वसीले दा काम दे। अल्लाह अकबर फिर इरशाद फरमाया जड़ा मेरा दोस्त हो जाए ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून
क्यामत दिन जदो नफसा नफसी दा आलम होएगा। हर बंदा पुकार रहा होगा नफसी नफसी हाय मेरी जान हाय मेरी जान। अल्लाह दी अदालत चो मेरे बारे विच आज की फैसला होंदा है। हर बंदा परेशान होएगा लेकिन रब फरमांदा है कि मेरे प्यारियां दा करो मेरे वलियां दा करो ए कि जिन्हां नु खौफ ही कोई नहीं होएगा। क्यों जिन्हां सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजारी सारी जिंदगी रब नु राजी कर दिया गुजारी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दे अंदर गुजारी उन्हां नु खौफ किस चीज दा होएगा। सारी जिंदगी रब को डरदे रहे लेकिन क्यामत दिन ला खौफ ला खौफ। खौफ की होंदा है मैनू ए नुकसान ना पहुंचे। दोजख जलाना दे मैनू कोई नुकसान ना पहुंचे ए होंदा खौफ अंदेशा। ते वलाहुम यहज़नू ओ परेशान भी नहीं होणगे। परेशानी बाद च होंदी है जदों कोई दुख पहुंच जाए। अगर अल्लाह दा कोई वली क्यामत दे दिन जदों रब इरशाद फरमांदा है कि हर आदमी अपने मुर्शिद दे नाम नाल होएगा ते अगर अल्लाह दे किसे वली दे किसे मुरीद खिदमत गुजार नूं अगर क्यामत दे दिन नुकसान पहुंचे ते अल्लाह दे वली होंगे परेशान। रब इरशाद फरमांदा मैं अल्लाह दे वलियां नूं परेशान होने नहीं देना। दाता साहब गौस पाक इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी शेर रब्बानी कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोरवर्दी नुशाई साबरी निजामी अपने वलियां दे अपने पीरां दे नाल होणगे। ते अगर किसी मुरीद नूं कोई तकलीफ पहुंचे नुकसान पहुंचे परेशानी का बाइस है या नहीं लेकिन रब फरमांदा है कि वला हुम यहज़नून अल्लाह दे वलियां नूं मैं परेशान होण ही नहीं देंदा। हदीस पाक एक आदमी गुनाहगार जिदे बारे में फैसला हो जाएगा रब इरशाद फरमाएगा ऐ फरिश्ते नु जहन्नम दे अंदर ले जाओ। फरिश्ते जहन्नम दे अंदर ले जा रहे होंगे ओदी नजर पेगी एक अल्लाह दे वली ते आवाज देगा ऐ अल्लाह दे फला बंदे ऐ मेरे मुर्शिदे करीम नजरे करम फरमाओ फरिश्ते जहन्नम दे अंदर ले जा रहे मेरी मदद फरमाओ। मेरे नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह दे वली फरमानगे ओ फरिश्ते जरा रुक जाओ किदे ले जा रहे हो। फरिश्ते कहणगे ये अल्लाह दी बारगाह विचों फैसला हो चुका है जहन्नम दा असी जहन्नम दे अंदर ले जा रहे हैं। अल्लाह दे वली फरमानगे फरिश्ते जरा रुक जाओ अल्लाह दी बारगाह विच मैनू भी पेश हो लैण दिओ। उस गुनाहगार नूं अल्लाह दे वली नाल लेके जन्नत दे अंदर रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज करनगे परवरदिगार ए मेरा मुरीद सी मेरी खिदमत करदा सी ओ दावे नाल कहेगा कि या अल्लाह फला मौके ते मैं तेरे प्यारे यार नूं वजू कराया सी फरा मौके ते तेरे वली दे नालैन संभाले तेरे प्यारे दी खिदमत कीती तो वली कहणगे या अल्लाह मेरा खिदमत गुजार सी जैसा भी है मेरे सदके परवरदिगार दे गुनाह माफ फरमा। रब तआला इरशाद फरमाएगा फरिश्तों पिछे हट जाओ ये हुण तुहाडे नाल नहीं जाएगा ये मेरे वली दे नाल जन्नत जाएगा। अल्लाह तआला इरशाद फरमांदा है कि ला यशफाउ इल्लाहु इल्ला बिइज़्निही
قیامت دے دن اللہ دی اذن تو بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا تے جڑا شفاعت کر دے گا او دی نجات ہو جائے گی جدی شفاعت اللہ دا ولی کر دے گا مرشد کریم کر دے گا او دی بگڑی بن جائے گی ایتھے مخالفہ نے بھی اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ غوث پاک کا دھوبی صرف اتنا کہنے سے نجات ہو گئی کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں غوث پاک دا دھوبی ہوئے فاسق فاجر نہیں ہو سکتا بے نماز نہیں ہو سکتا بے دین نہیں ہو سکتا غوث پاک دا دھوبی ساری زندگی خدمت کردا رہا انتقال ہویا قبر اچ گیا سوال جواب ہوئے رات خواب دے اندر گھر والیاں نوں ملیا انہاں پوچھیا کہ قبر دے اندر کی گزری کہندا ہے فقط اتنا کہنے سے میری نجات ہو گئی کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ فقط اتنا کہنے سے نجات ہو گئی کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اے لکھن والے او نے جڑے اللہ دے ولیاں دے بے ادب ہوندے انہاں بھی اپنی کتاب وچ لکھ دیتا ہے کہ غوث پاک کا دھوبی صرف کہنے سے نجات ہو گئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہاں نوں کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے اللہ دے ولیاں دی یہ ہو گئی شان پھر اللہ نے اپنے ولیاں دا مقام بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی کون جنہاں دے سینے دے اندر ایمان کامل موجود ہے الذین آمنوا جڑے ایمان لے آئے بھئی ایمانہ دے اندر ولی کوئی نہیں ہو سکتا ولی جدہ ہون گے ایمان والے دے اندر ہون گے وکانو یتقون عمل ہوئے گا تقوی اور پرہیزگاری والا ایمان اور اعمال صالحہ تقوی اور پرہیزگاری اے ولایت دی پہچان اللہ اکبر الذین آمنوا وکانوا یتقون رب ارشاد فرماتا ہے ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی دے اندر بھی انہاں واسطے بشارتن و فی الاخرہ آخرت دے اندر بھی انہاں واسطے بشارتن اے اللہ تعالیٰ دا انتخاب ہوندا ہے کسے نو ولایت واسطے پیدا کیتا کسے نو غوثیت واسطے پیدا کیتا کسے نو ابدال بنان واسطے پیدا فرمایا کسے نو ایمان واسطے پیدا کیتا کیونکہ رب نے جنت بھی بھرنی ہے جہنم بھی بھرنی ہے اے اللہ تعالیٰ دا انتخاب ہے جس طرح رب انبیاء اور رسول دا انتخاب کر کے پہلے دن تو ہی فیصلہ ہو چکی ہے نبی رسول بھیجے اسی طرح ازل تو رب دا یہ فیصلہ ہے ولایت واسطے کنوں کنوں چھوڑ اور لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر صدی دے شروع دے اندر اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرمائے گا مجدد جنہاں دا کم ہوئے گا کہ 100 سال واسطے دین دی تجدید کرن دین دے چہرے تے لوگ کٹا اڑان گے دین دے چہرے تے گرد و غبار ہوئے گا وہ دین دا چہرہ صاف کر کے لوگاں دے ایمانہ دی حفاظت کرن گے اور اللہ دی اس امانت نو لوگاں تک پہنچان گے اور 24-25 سفر مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان عشق و محبت اعلیٰ
मुजद्दिद जिस तरह नबी रसूल किसे कमेटी ने नहीं चुने, किसे मजलिसे शूरा ने नहीं चुने, किसे एनजीओज ने नहीं चुने। नबी वली रब का इंतखाब, मुजद्दिद भी रब का इंतखाब। अल्लाह ताला मुजद्दिद पैदा फरमांदा रहा ताकि पूरी सदी वास्ते दीन दी हिफाजत, दीन दे चेहरे ते पैन वाला गर्दों गुबार साफ करके दीन नू असली सूरत के अंदर लोगों के सीने के अंदर उजागर कर। इस सदी वास्ते और पिछली सदी वास्ते अल्लाह ने मुजद्दिद बनाया इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला। जिस तरह नबी और रसूल की बेअदबी अल्लाह की नाराजगी का बाइस, इस तरह वली और मुजद्दिद की बेअदबी भी अल्लाह के अजाब का बाइस बना। ऐसी खुदादाद सलाहियतां आज तक कोई साबित नहीं कर सकता कि एक महीने के अंदर किसी ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हो, किसी ने क्या हाफिज अहमद रजा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया कि मैं तो हाफिज नहीं, लेकिन लोग मुझे हाफिज समझे, मैं हाफिज ना हूं तो ये बुरी बात है। आपने फरमाया चलो इस रमजान में हम कुरान पाक की मंजिल सुनाएंगे। यकम रमजान मगरब की नमाज तो बाद इशा तक आला हजरत अजीमुल बरकत ने पहला सपारा पढ़िया, सीने के अंदर महफूज हो गया, तरावियां के अंदर सुना दिया। दूसरी रमजान मगरब तो इशा तक दूसरे सपारे की जियारत और तलावत की थी, दूसरा सपारा रात तरावियां सुना दिया। आखिर तक 30 रमजान तक इमाम अहमद रजा ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। ताकत बजोरे बाजू ने बशरी ताकत तो बाहर है, ता ना बख्शा खुदाए बख्शिंदा, ये खुदादाद सलाहियत है कि अल्लाह ताला ने हाफजा कैसा आता फरमा दे। और दुनिया दे 70 उलूम के उत्ते अबूर इस तरह सिर्फ उलूमे शरईया नहीं बल्कि उलूमे अकलिया भी, और दुनिया दे सारे उलूम इमाम अहमद रजा खान उन्हें अबूर हासिल करके जिस तरफ आ गए हो सिक्के बिठा दिए। साइंस वास्ते कलम उठाया, साइंसदान हैरान रह गए क्या बरेली दी जामिया मस्जिद के इमाम दी शान है। साइंसदान भी अपने उकदे हल करान वास्ते इमाम अहमद रजा को लांदे, ते जदों कुरान पाक दे तर्जमे ऐसे लिखे गए कि जड़ा तर्जमा पढ़ता सी वो गुस्ताखे रसूल हो जाता सी। अल्लाह तआला दी शान दे बारे च लिखिया गया जेडे गलियां दे अंदर कुराने पाक तर्जमे वेचण वास्ते आंदे ने, जरा छानबीन कर लिया करो ये तर्जमा है केड़ा। कईयां तर्जमा दे अंदर ये लिखिया अल्लाह तआला मकर करता है, अल्लाह तआला दगा देता है, अल्लाह तआला मकर करता है, अल्लाह तआला दगा देता है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इंडिया के अंदर कई लोगों ने तर्जमा पढ़िया, तर्जमा पढ़ के पहले तो है ना मुसलमान कुरान पाक के तर्जमे का शौक होया, तर्जमा पढ़िया उन्हें तौबा की कि जे मुसलमाना का खुदा ये वजह है जो दगा देता है मकर करता है फरेब करता है असी ऐसे खुदा तो रहे। वो वापस हिंदुओं के अंदर चले गए अपने पुराने मजहब में चले गए।
लेकिन जिन्होंने ताजदारे बरेली का तर्जमा पढ़िया सीने के अंदर ईमान की शमा रोशन हो गई। और कुरान पाक की तफसीर लिखने वाले मुफस्सिरीन भी हैरान ने, ये खुद तर्जमा भी है और कुरान पाक की तफसीर भी है, खुद तर्जमा ही तर्जमा भी है तफसीर भी है, जिदे नाल ईमान की रोशनी सीने के अंदर पैदा होती ईमान मजबूत हो जाए। जिन्होंने तर्जमा किया कि अल्लाह ताला मकर करता है, आला हज़रत ने इसका तर्जमा फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर फरमाता है। फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा उन लोगों ने किया, या अल्लाह दिखा दे हमें सीधा रास्ता, आला हज़रत ने फरमाया कि रास्ता देख लेने से मंजिल पर पहुंच जाना लाजिम नहीं आता, आपने तर्जमा फरमाया चला हमें सीधे रास्ते पर, रब चला दे तो बंदा गुमराह नहीं हो सकता, यकीनन मंजिल ते पहुंचेगा। जे रास्ता दूरों देख लीए तो जरूरी नहीं कि बंदा मंजिल ते पहुंच जाए, रास्ता भटक भी सकता। ऐसा तर्जमा जेड़ा ईमान दी जमानत और सिरापा इश्क व मोहब्बत के अंदर डूब के जेड़ी कुरान पाक दा तर्जमा लिखा हुआ होवे, क्यों ना उस लोगों के सीने ईमान दे नाल आबाद करे। और अगर शायरी फरमाई हिदाय के बख्शिश सुभान अल्लाह, आप दी अजमतां दा मजहर इस तरह मालूम होता है जिस तरह इल्हामी कलाम है। इल्हामी कलाम इश्क व मोहब्बत के अंदर गर्क होके सरकार दे इश्क व मोहब्बत के अंदर, और फिर आला हजरत ने खानदान के जितने भी नाम ने सारे अहले बैत के नाम थे नाम रखे गए। अल्लाह अकबर, नबियां ते रसूलां दी रहनुमाई भी रब करदा रहा, मुजद्दिद दी रहनुमाई भी रब करदा है, ते फिर वलियां दी रहनुमाई भी रब आप करदा, अंबिया दी तरफ वही, मुजद्दिदीन और औलिया दी तरफ इल्हाम, अल्लाह ताला दी तरफ जो रब चंद है उन्हां दे दिल च उन्हां दे ज़हन च गल पा दे, तो उन्हां दी अज़मत दा मुकाबला कौन कर सकता है कि जिन्हां रब ने इतने उच्चे मनसब वास्ते चुनिया, इतना आला मकाम अता फरमाया। अल्लाह अकबर। शायरी शायर हैरान सन, शायरां दे उस्ताद हैरान सन कि ये कलाम इल्हामी कलाम हो सकता है, ये शायर दे वस दी गल नहीं जितना अजीम कलाम इमाम अहमद रज़ा ने लिखा। डॉक्टर इकबाल एक महफिल मिलाद के अंदर शामिल हुए, नाथ खान नाथ पढ़ रहे थे, जहे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद, जहे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद, के है अर्शे हक जेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा दा अर्श नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमा दे थले, खुदा दा अर्श आला हज़रत दा कलाम, जहे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद, है अर्शे हक जेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल दियां अखां च आंसू आ गए, फौरन कलम उठाया, कागज जेब विचों कढ़िया ते शेर लिखिया, शेर लिख के दो शेर लिखे, शेर लिख के नाथ खान नूं दित्ते कि आला हजरत दे कलाम विच इनू भी शामिल कर ले, आला हजरत नाल मैनू भी निस्बत हो जाएगी। तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद,
डॉक्टर इकबाल दी खेचा सुन आला हजरत का कलाम सुन के कहते आला हजरत नाल मेनू भी निस्बत हो जाएगी। तमाशा तो देखो के दोज़ की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। सुहान फिर आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमा दे वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। गुनागार उम्मत नु याद करके मिलादिया नु याद करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारां दे विच रोंदे रहे किन्ना वास्ते असा गुनागारां वास्ते। ताजदारे बरेली ने मंजर देखा तो फरमाया वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेराज दी रात आसमाना ते तशरीफ ले गए रब दी बारगाह विच इक अर्जी पेश कीती परवरदिगार मेनू उम्मत दी फिकर उम्मत दा गम परेशान कर रहे। रब ने फरमाया प्यारे हबीब उम्मत दी की परेशानी है। अर्ज कीता परवरदिगार मेरी उम्मत बड़ी गुनागार है तो जगदे शोले बड़े गरम ने दुनिया दी अग नालों 70 गुना तेज मेरी उम्मत दी बख्शिश हो जाए मेनू सुकून मिल जाए। रब ने इरशाद फरमाया सुनिया होवे तो अड्डा ते जावे जहन्नम इथे किवें हो सकदा। अल्लाह अकबर मेरे नबी अलैहि सलाम ने तेरे मिलाद के झंडे चुकन का मुल पा दिता या अल्लाह मेरे मिलादी मेरे दरूद दी जन्न में जान। रब ने फरमाया सुनया जेड़ा तुहाडा होएगा जन्न में जाएगा क्या रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल्लाह अकबर दुनिया हैरान है कि बरेली